ईद मुबारक। आज हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, की चीजें वो मिस नहीं कीजिएगा। सीक्रेट चीज ऐड करेंगे जिससे इसका मजा जो है पाए बनाऊंगी। हाँ 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 हाँ, हमारी कैसी शक्ल होगी। ये हो गई है ऑलमोस्ट रेडी। और आपकी ट्रॉली जो है वो टक गई है। अस्सलाम वालेकुम, बकरा ईद मुबारक। आज हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मीठी ईद की तरह का ब्रेकफास्ट है, केक वगैरह, क्योंकि ईद तो फिर इनकम्प्लीट है ना मीठे के बगैर। गोश्त से भी अभी शुरुआत होगी, अभी हमारी कुर्बानी हुई नहीं है, अभी कसाई ने हमें पेंडिंग लाइन पे रखा हुआ है। आपको पता ही है कि छोटी ईद पे दर्जी और बड़ी ईद पे कसाई जो है वो किसी के हाथ नहीं आते। यस, और अलमीर जाके ये फेवरेट केक लेके आए हमने बाबा के साथ, और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, रात को मैंने ब्लो ड्राई कराया था, उन्होंने पिन लगा दी है जगह जगह के जी आपका ब्लो ड्राई सही रहेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको एक और चीज दिखाएंगे, मजे की रेसिपी है कमर की जो हम बनाएंगे। उस रेसिपी के लिए देखते रहें, वो है कलेजी की रेसिपी, और अभी आपको दिखाते हैं नाश्ते के बाद। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को। और यार कलेजी हो गई आज लेट, तो सोच रहा है पहले नाश्ता कर लें, थोड़ी सी पेट पूजा कर लें, उसके बाद मैं बनाऊंगा कलेजी। कलेजी की रेसिपी है, उसके अंदर दो तीन की चीजें वो मिस नहीं कीजिएगा, और उस रेसिपी से अगर इसी पे ना बना पाए तो नेक्स्ट ईद पे जरूर बनाइएगा। और ये हमारे नौजवान गोश्त लेके आ गए हैं, कुर्बानी हो गई है। आपने बकरा काटा है, अच्छा व्हाइट कुर्ता था रेड हो गया। यार एक्चुअली इस दफा बहुत लेट हो गया, लास्ट टाइम तो हम लोगों ने घर पे की थी, लेकिन इस दफा क्योंकि एक सेकंड टाइम तो दिखा दूं मैं, इस दफा कितने बज रहे हैं कि घड़ी खराब है सेल वीक हुए हैं, सॉरी तीन बज रहे हैं। दादा हाउस में जो छुट्टी पे थी इसलिए फार्म पे करवाया था, तो वहीं से मीट लेकर आए, तो बहुत लेट हो गए। और मैं मीनवाइल कलेजी जरा वॉश कर लूं ताकि फिर रेसिपी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं हूँ जो आप थोड़ी बहुत तैयार हो गई हूँ, ये मेरा ईद का ड्रेस नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि हमने किचन में काम करना है, मैंने कमर को काम करते हुए देखना है, कलेजी बनाते अभी यार मेरा ब्लो ड्राई खराब हो जाएगा। और मेरा ईद का ड्रेस मैंने अभी बचा के रखा हुआ है, क्योंकि शाम में कमर की बहन के घर बंदिश है, तो हम वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ भी एक ब्लॉग बनाएंगे जो आपको कल दिखाएंगे, क्योंकि आज तो शायद वो अपलोड ना हो सके, आज आपको ये वाला ब्लॉग अच्छे से बनाना। शाम को बिरयानी बनानी है, उसकी प्लेट में उसका मीटर रख कर। अरे यार शाम को हमने मंडी में बिरयानी भी लेके जाना है, लेके आओ जल्दी। तो सब ड्रामा था कि ब्लोडर खराब हो जाएगा, अभी गोश्त के इससे तो करना ही है, तो मैं बाल बाल के आ गई, ठीक है। वैसे मैंने आसानी कर दी है, कोई ये ना मैंने अलग अलग बकरों के अलग अलग पार्ट अलग अलग पैकेट में बनाए, ताकि डिवीजन आसान हो। कौन सी कुछ है कौन सी चाल, ये अपना रेस्टोरेंट होने का फायदा होता है कि आपको पूरा बकरा गाय और मुर्गी सब याद है। अच्छा चाप तो मुझे पता है, मुझे पुट आज तक याद नहीं हुआ। दिस इज पुट, ये जो बैक बोन होती है। हाँ। ये पुट होती है, देखो ये बोन है और ये पुट है। अच्छा ये पुट है, तुम्हारी पुट को मालूम है, ये पुट इट बैक ये पुट इट बैक। अब सब फॉलो करें, टू द पॉइंट रेसिपी बताएंगे। तो सबसे पहले कलेजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी स्मेल मारना, ठीक है। तो वो मैं आपको दो तीन तरीके बताऊंगा, वो आपको बस फॉलो करने, और आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपकी कलेजी में से स्मेल आ रही है। नंबर वन, हम लोगों ने किया है थोड़ा सा पानी और एक नॉर्मल साइज का गार्लिक, ठीक है, उसको उसके अंदर छील के और पानी के अंदर ग्राइंड कर लिए। ग्राइंड करके देखें ये लिक्विड बन गया, ये लिक्विड क्या करेंगे ये देखें, ये लिक्विड सीधा जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ये गार्लिक चला गया। उसके बाद अब मैं क्या ले आई हूँ, तुम विनेगर, ये आ गया विनेगर, इसके अंदर हम विनेगर ऐड करेंगे, ये देखें ये इसके अंदर विनेगर ऐड कर दिया, ठीक है, नॉर्मल तकरीबन आप समझ लें, बस थोड़ा सा करना है, ठीक है, ये करके तकरीबन आप समझ लें थोड़ा सा कर लें, वो आप देख लेना कितनी कलेजी है, मैं इसकी एग्जैक्ट क्वान्टिटी नहीं बता रहा, लेकिन आप थोड़ा उसके अंदर करके, और ये देखें इसके अंदर आपने इसको सोक करने के लिए रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, 15 मिनट्स ही इसके अंदर रहेगा, उसके बाद हम दिखाते हैं इसको क्या करना है। इसके अंदर जितना भी ब्लड था जो भी सब था, ये पानी देखें ब्राउन हो गया, ये जो विनेगर है वो तकरीबन ब्राउन हो गया, इसको 15 मिनट्स हो गए, 15 मिनट्स बाद इसको क्या करेंगे, और कलेजी का कलर लाइट हो गया, इसको फातमा वॉश करेंगे,
बल्कि मैं करता हूँ, मेरे हाथ तो ऑलरेडी गार्लिक की आ रही, तुम नहीं करो, तुम्हारे हाथ तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। मां भी से ईद मिल गई है, मां भी दिखाओ सबको ईद की अपनी तैयारी, ईद मिल गई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, दिखाओ ईद मुबारक, इसमें तुम 200 ग्राम से खा लो, 250 ग्राम से खा लो, चलो मैं इसमें अंदाज़ लगा देता हूँ। तो अब बकरे की कलेजी है तकरीबन आधा किलो, आधा किलो से थोड़ी ऊपर होगी, ये डेढ़ बकरे की समझ लें, ठीक है, क्योंकि हम लोग खाने वाले कम हैं तो इसकी कमी बना रही है। और इसके अंदर चली गई है तकरीबन एक पाव दही, ठीक है, एक पाव दही ऐड करने के बाद इसको डायरेक्ट फ्राई नहीं करना आपने, इसकी मैरिनेशन करके बनाना है ताकि ये सॉफ्ट रहे। कुछ लोग कलेजी जो है वो डायरेक्ट ऑयल के अंदर डाल देते हैं, उससे कलेजी सख्त हो जाती है, तो ये काम आपने नहीं करना, ये रेसिपी फॉलो करें, इससे कलेजी आपकी कभी भी सख्त नहीं होगी, हमेशा सॉफ्ट रहेगी, ठीक है। ये चला गया, उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन के अंदर सारे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे कॉमन मसाला डालेंगे जो कि है नमक, जो कि बहुत कम क्वान्टिटी में जाएगा, ज़्यादा जाएगी इसके अंदर हल्दी, ठीक है, उसके बाद ये आपका धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च जाएगी कम, ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर एक सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसका मज़ा जो है वो बहुत ही कमाल का हो जाएगा, थोड़ी सी क्रश चिली, ठीक है, और ये टिक्का मसाला ही इसको चटपटा बनाएगा। टिक्का मसाला आप हसबे जाएगा जितना आप डाल सकते हैं उतना डाल लें, हम थोड़ा सा सही क्वांटिटी में ऐड करेंगे क्योंकि हमें ज़रा मसालेदार पसंद है। लहसुन अदरक का एक टेबल स्पून थोड़ा सा और ऐड करें, ठीक है, इसकी मैरिनेशन हो गई सब चीज़ों से, ओके। तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, दही, लहसुन अदरक पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और टिक्का मसाला, तो ये हमने मिक्स कर दिया है। और अभी अभी एक गर्मा गर्म फरमाइश आई है कमर आपके लिए कि हमारी जो कुक हैं ज़ारा बाजी, वो कह रही है कि भाई से कहें कि अपने पाए की रेसिपी बताएं, तो मैं पाए बनाऊंगी वो। हाँ, बस नेक्स्ट पाए की रेसिपी शेयर करेंगे। हाँ। अच्छा, फाप में इसको मिक्स करेंगी 5 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स इसकी मैरिनेशन करके रख देना है। हाँ, मीन वाइल मैं ये चीज़ें काट लेता हूँ। इसके अंदर 4 वेजिटेबल ऐड होंगी जिसके अंदर ही कुक होगा, ये होगा और एक प्याज में लेके आता हूँ, वो प्याज यहाँ पे ये मिसेंगे। तो इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सारा इसको टाइम पास करने के लिए मिक्स कर रही हूँ। और बाबा यहाँ पे मैं दूर हो जाता हूँ, फिर मुझे ना आंसू आ जाए आंसू मुझे ना आंसू आ जाए आज अन्नी जो है वो बिहाइंड द कैमरा है, क्योंकि अहमद ईद करने गया हुआ है, तो आज कैमरा पे गया। आज कैमरा वर्क बताइएगा कि कैमरा वर्क कैसा है। हाँ, क्योंकि आज अमीर है कैमरा। और इसके अंदर एक लेमन ऐड कर लें मजे के लिए। हाँ, कोई भी बच्ची कुची अगर स्मेल होगी तो वो लेमन से खत्म हो जाएगी। और सॉफ्टनेस जिससे जो है ना कलेजी, और ये बाबा की फेवरेट चीज। उसके बाद इसके अंदर अनियन और टमेटो दोनों ऐड कर लेंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं, पिंक कर लेंगे एक्चुअली, ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना इसको, इसको नॉर्मल फ्राई करना है आपने, ठीक है। अच्छा, तो अब देख लें कि इसकी कैसी शक्ल हो गई है, इसको ब्राउन नहीं करना, इसकी शक्ल भी देख लें और भूख से देखें हमारी कैसी शक्ल हो गई। सुबह में एक पैटीज खाए। अच्छा फादमा, रोना बंद करो यार, ये आखिरी 10 मिनट्स हैं। ये जो हमारे पास मैरिनेटेड कलेजी थी बकरे की, वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड कर दिया है और ये अब थोड़ा सा इसकी आग बढ़ा देंगे क्योंकि ये दही जाने से बिल्कुल वो स्लो हो गया है। और ये हाथ फातिमा का है और आवाज मेरी है, मेरी मेहंदी। ओहो, सो इसको हमने कवर कर दिया है, ये अपनी स्टीम में जो है अच्छे से गल जाएगी। वैसे तो इसने गलना ही है क्योंकि ये
दही, नींबू, टमाटर, इतनी सारी चीज़ें डाली हैं। साइड बाय साइड हमने शाम में जो वन डिश पे जाना है उसका मटन गल रहा है और उसकी बिरयानी बनेगी अभी। तो ये हो गई है ऑलमोस्ट रेडी। इसके अंदर हमने ग्रीन चिलीज ऐड किए हैं अभी अभी, और ये बस बनने वाली है। फातिमा तुम क्या रहेगी घूम रही हो? थोड़ा सा इसमें हम यार डिश आउट करेंगे ना, फिर निकाल देंगे उसमें, अलग निकाल देंगे इसमें। चलो ओके, थोड़ा सा फातिमा इसमें जिंजर ऐड कर दिए। वाओ, ये हो गई है चटपटा मसाला कलेजी तैयार। बटर है जो फर्स्ट टाइम यूज हो रही है, और इसमें हम डिश आउट कर रहे हैं कलेजी। कलेजी डालो सोने की। एंड में महावीर जो है वो इसके अंदर चार चांद लगाने आ गए हैं इसको। महावीर आप क्या कर रहे हैं? ओके, तो रेडी हो गई है कमल की सीक्रेट कलेजी रेसिपी। और ये हम ऐसे फोर्क से खा रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम हेल्थ कॉन्शियस हैं और हम जो है वो कार्ब्स नहीं लेंगे आप, लेकिन आप नान के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। लेकिन आज हम लोग नहीं खा रहे नान के साथ, इसको हम डायरेक्ट खाएंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। आप सेम आई गेस गाय की कलेजी में भी यूज़ कर सकते हैं रेसिपी को। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, लाइक शेयर करो।